मेरा क्या मोटिव होता है, मेरा क्या टारगेट होता है कि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ, तो मैंने कम से कम पैसे जो हैं वो खर्च करने होते हैं, कम से कम पैसे में गुजारा करना होता है। अच्छा, ये तो ऐसे ही नहीं है जैसे आप पाकिस्तानी लाहौर के अंदरून शहर में फिर रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, पर रोशनी हो चुकी है, 7:50 में अभी। आई हैव टू गेट अप, टेक शावर एंड देन मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, बिकॉज आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए आज, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने आज पोर्टो में देखनी है। नाइट वॉज सो कूल, मतलब कि बड़ी सुकून की मुझे अच्छी नींद आई है, और रूम में जो है वो ये छोटा सा हीटर सामने आपको नज़र आ रहा है, फ़ैन वाला हीटर है, ये मैंने लगाया हुआ था एंड इट वॉज एन रियली कोल्ड। आई मीन बाहर तो ऑफ कोर्स ठंड है, लेकिन यहाँ पर रूम के अंदर जो है वो इतनी ठंड नहीं थी, और साथ में ये ब्लैंकेट आपको पता था, तो इट वॉज ओके। आई नीड टू टेक शावर एंड गेट रेडी। शावर के लिए प्रॉब्लम यह है कि टॉयलेट जो है ना यहाँ पर ये रूम से बाहर है, एंड वहाँ पर कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, एंड इट्स वेरी कोल्ड देयर, बट नहाना तो है ना भाई, तो आई एम गोना गो फॉर शावर, सी यू लेटर, चलो। अच्छा, मैं ना आप लोगों को यहाँ की लिफ्ट दिखाना भूल गया था, ये जो पोर्टो में जहाँ पर मैंने स्टे किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लिफ्ट, ठीक है। ये लिफ्ट है, ठीक है, 5th फ्लोर पर होंगे, आप ऐसे दरवाज़ा ओपन करते हो, ये अंदर लिफ्ट है, ठीक है, ये दरवाज़ा बंद हो गया, ओके। अब यहाँ से आपने प्रेस किया RBC, और ये आपने दरवाज़ा ये वाला भी बंद कर दिया, ऐसे चलती है ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक दफ़ा दोबारा से, मैं अभी 9:04 हो गए हैं और रेडी भी हो के मैं निकला हूँ बाहर। मेरी एक पोर्चुगीज़ फ्रेंड ने एक सजेस्ट किया था रेस्टोरेंट फॉर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं मेट्रो ले सकता हूँ, एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था मेट्रो बहुत करीब है मेरे, या फिर मैं वॉक कर सकता हूँ। अगर मैं वॉक करूँ यहाँ से, अच्छा जी, बारिश दोबारा से हो रही है, और आज का फोरकास्ट कोई इतना मज़े का नहीं है, बिकॉज ऑन एंड ऑफ बारिश ही है यहाँ पर सारा दिन जो है, बट इतनी तेज़ बारिश नहीं है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मैं ऐसे बारिश में विदाउट अम्ब्रेला जा सकता हूँ, बट अगर तेज़ होती है तो मेरे पास अम्ब्रेला भी है, सो आई कैन यूज़ अम्ब्रेला। आई थिंक इट्स बेटर के मैं वॉक करूं या मेट्रो लूं, पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। अच्छा चलो, मेट्रो ट्राई कर लेते हैं टाइम थोड़ा सेव करने के लिए, या फिर वॉक ही कर लेते हैं यार, वहाँ से जो रिवर है ना उसका व्यू भी आता है। जब मैं पैदल वॉक करूंगा तो यू विल बी एबल टू सी, जब मैं पैदल वॉक करूंगा तो मैं आपको रिवर का व्यू भी दिखाऊंगा। रात को तो मैंने दिखाया था आपको, लेकिन डे टाइम भी दिखा दूंगा। अच्छा, मेरे एक दोस्त है ना जो कि पोर्चुगीज़ है, उसने बताया था कि जब आप पोर्चुगल में हो, स्पेशली पोर्टो में और लिस्बन में, तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिटीज़ जो हैं वो हिल्स के हैं, छोटे छोटे हिल्स बने हैं, तो इट्स लाइक यू नो, इस तरह की स्लोप्स और स्ट्रीट्स वगैरह जो है ना वो इस तरह की हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके जाती हैं, तो जब आप पैदल वॉक करते हो ना, तो ऑफकोर्स इट्स नॉट लाइक सेम ग्राउंड लेवल नहीं है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, तो इसीलिए शी सेड कि आपको जिम की ज़रूरत नहीं है। आप पुर्तगाल में हो, अगर वॉक करते हो तो आप वैसे ही सही रहते हो। ओके, मान लेते हैं भाई।
जो सामने ब्रिज है ना, आपको पता नहीं अभी नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, इस ब्रिज पे मैं रात को था और इट लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब कि बहुत खूबसूरत लगता है रात को भी ये, और अभी डे टाइम में भी ऑफ कोर्स खूबसूरत ही लग रहा है। मैं अभी क्या पढ़ रहा हूँ मोबाइल पे, ये जो है ना जो ये रिवर है, यानी ये जो पोर्टो में ये जो रिवर है इसको बोलते हैं डूरो रिवर। तो इस रिवर, ये जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है, ये रिवर के उस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे है, ठीक है। तो इट्स वेरी पॉपुलर कि लोगों ने जब कोई बात करनी होती है ना, तो लेट्स से कोई रेस्टोरेंट है जो दूसरी साइड पे है, दे ऑलवेज से कि ओ दैट्स अक्रॉस द अदर साइड, वो रिवर पे दूसरी साइड पे है या फिर रिवर के इस साइड पे है। ओके ये वाओ, अच्छा ये जो है ना क्या उसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि लुक्सेम्बर्ग भी कुछ इसी तरह से है, मतलब ऊपर नीचे हिल्स पे वो भी कंट्री इस तरह से बनी है, बट ये थोड़ी सी ना आपको एक पुरानी लुक देता है ये वाली सिटी जो है, अभी जहाँ पर हूँ मैं पुर्तगाल, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री या टाउन कुछ इस तरह से करके है, मुझे अभी जेन में याद नहीं है अभी क्या सीन है उसका, बट लेकिन अगर आप देखो ना तो घर और उसके अलावा ये कश्तियाँ आपको जो नज़र आ रही हैं, लुक्स लाइक यू नो जो पुराने ज़माने की होती हैं, जिस तरह से ये सामने ब्रिज भी जो है आपको ऐसे ही लग रहा है, बट इट लुक्स वेरी यू नो एक हिस्ट्री, पुरानी हिस्टोरिकल जगह जिस तरह से होती है उस तरह की आपको ये लुक देता है। और पुर्तगाल की ऑलरेडी वैसे हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, पहले ये स्पेन की गवर्नमेंट के अंडर था, उसके बाद इनकी वॉर्स हुई आई थिंक 17th सेंचुरी में समथिंग इस तरह से, एंड देन दे बिकेम यू नो ने अपना लैंड जो है वो अलग से लिया। ये जो ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर जो है यहाँ से ही मेट्रो जाती है, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना ये मेट्रो की लाइन है, और यहाँ पर ब्रिज के ऊपर जब मैं सेंटर में करके आया हूँ ना, वेरी बिल्डिंग और ठंडी हवा है सुबह सुबह, मैं अभी घर से शावर लेकर आया हूँ, मेरे बाल अभी गीले ही हैं, बट डजंट मैटर स्टिल, ये रिवर है, अगर यहाँ से बंदा नीचे गिर जाए या कोई चीज़ यहाँ से गिर जाए तो बस फिर सलाम अलैकुम, फिर कोई सही नहीं हो सकता। एबटाबाद वगैरह वाली साइड पर नहीं आ जाते हो जहाँ पर हिल्स हैं, बस ये है कि यहाँ पर आपके सामने दरिया भी है और वहाँ से थोड़ी ज़्यादा सफाई होगी, बाकी यू नो ये हिल्स वगैरह देख के आपको ऐसे लगता है जिस तरह आपको उसी तरह के किसी गाँव में एबटाबाद वगैरह। तो यहाँ पर ना ये रिक्शो वाली राइड बड़ी मशहूर है, ये आपको ये ना आपको गाइड मतलब प्रॉपर होता है अंदर आपके, अगर आप देख रहे हो वो लड़की बोल रही है आपको, वो बताते रहते हैं क्या सीन है, ये कौन सी जगह है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जो है पुर्तगाल का कायदे आज़म है,
अच्छा ये तो ऐसे ही नहीं है जैसे आप पाकिस्तान पाकिस्तान सॉरी लाहौर के अंदरून शहर में फिर रहे हो। पीछे ये चाचा इतना खूबसूरत ये बाजा बजा रहा है कि मैं क्या करने लगा हूँ उसकी एक अलग से वीडियो बनाने लगा हूँ अपना मोबाइल के साथ। तो उसके लिए मैं अपना एक दूसरा गैजेट बाहर निकाल लूँ बाकी जो ताकि मेरा जो बेसिक कैमरा है प्राइमरी कैमरा है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा साथ में वॉलेट भी निकाल लूँ ताकि मैं चाचे को कोई टिप शिप दे दूँ ही डिजर्व इट। चाचे ने बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का जो है वो बाजा बजाया है। आई थिंक मुझे और सुबह जल्दी निकलना पड़ना चाहिए था बिकॉज आई फील के देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मुझे ऑन द वे मिल सकती हैं। अभी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। अच्छा मैंने आपको बताया था शायद आपको याद होगा या नहीं याद होगा कि मैं अपने इस ट्रिप के हर डे एंड पे आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई मेरे जो ट्रिप का वो कॉस्ट सारी क्या थी। लाइक हर एक एक पैसे जहाँ पे मैं खर्च करूँगा डे एंड पे मैं उसकी कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को पता चलता जाए कि इन केस अगर आप यूरोप ट्रिप पे आते हैं तो कितने पैसे आपके लग सकते हैं। मेरा क्या मोटिव होता है मेरा क्या टारगेट होता है कि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ तो मैंने कम से कम पैसे जो हैं वो खर्च करने होते हैं कम से कम पैसे में गुजारा करना होता है तो ये मेरा टारगेट होता है। कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मैंने फिरनी होती हैं तो इसीलिए मेरे जो ट्रैवल के एक्सपेंस हैं वो बहुत थोड़े थोड़े मतलब कोशिश मैं करता हूँ। ये कोई इनके पॉलिटिकल सीन जो होते हैं वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हमजा शरीफ और पता नहीं कौन कौन और वो इमरान खान की तस्वीर कांटे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान वाला हाल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल ही रहा है पॉलिटिकल सीन पूरी दुनिया में ही ऐसे होता है कि पॉलिटिक्स में जो भी हैं। मैं सोच रहा था कि ये बस इस दफ़ा लूँ होप ऑन होप बट फिर मैंने आइडिया स्किप कर दिया। ये थोड़ा सा मार्केट वाला इलाका मुझे लग रहा है तो सामने बड़ा खूबसूरत एक चर्च बना हुआ है। मेरा जो रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट करना है दैट्स ओनली लाइक यहाँ से कुछ 10 मिनट की वॉक रह गई है। सामने मेरे ना बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है अभी आई थिंक ये ओपन ही कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिस तरह क्रिसमस मार्केट्स होती हैं ना ये चीज़ है पुर्तगाल की और ये भी कुछ फूड पॉइंट है एंड ये कुछ ज्वेलरी है एंड ये क्रिसमस का एक वो लगाया हुआ है एक मतलब क्या से बोलते हैं कोई डेकोरेशन वगैरह जो होती है। ओके ये फ़ोटो बहुत है ठीक है 3.5 यूरो की फ़ोटो आपको खींच के देते हैं ऑलरेडी इस तरह की वेरी नाइस। Thank you.